समझ लें। हमको गौतम साहब अभी बोल रहे थे, उनसे गुजारिश करते हैं, आप लोगों को भी कहते हैं कि हम लोगों को भी अकलियत मत कहिए। हम लोग अकलियत नहीं है, अकलियत कह करके माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कह करके हम लोगों के अंदर एक ठीक भावना भरने की कोशिश की जाती है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा किया जाता है। अकलियत कहते कहते मुसलमानों को इन लोगों ने कबकला समझ लिया है, तो मुसलमान भी अब समझ गए हैं कि हम इसी बहुदेश में, ये यहाँ के जो बहुजन है, यहाँ के जो आदिवासी है, दलित है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारे अंदर की आबादी भी बहुमताना आबादी, बहुजन आबादी भी पसमांदा है, पिछड़ी है, दलित है, आदिवासी जैसे लोग भी हमारे अंदर भी है, तो एक एकजुटता के साथ आगे बढ़ता है। अब इन बातों को से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये क्या हथकंडा अपना रहे हैं, ये हथकंडा जो अपना रहे हैं वो धर्म के नाम पर बांटने का हथकंडा अपना रहे हैं। और राहत इंदौरी का एक बड़ा बढ़िया शेर है कि पता चला है कि सरहद पर सीमा पर तनाव है, सुना है कि सरहद पर तनाव है, सरहद पर तनाव है क्या, देश में कोई नया चुनाव है क्या, तो वो चुनाव होने वाला है। आप मोदी जी को देख लीजिए, हमारे वीर बड़ा शहीद लोग जान दे रहे हैं, लड़ रहे हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए, ज्यादातर आदिवासी दलित पिछड़े लोग ही मर रहे हैं, जो 40 लोग मरे हैं उसमें मरे हैं, सब लोग मर रहे हैं, और ये उनकी शहादत को आज चुनावी रंग चढ़ा रहे हैं, उस पर चुनावी रंग चढ़ा रहे हैं उस पर। अभिनंदन का कह रहे हैं मोदी जी कि अर्थ बदल गया है अब, लेकिन मोदी जी हम लोग भी जानते हैं अभिनंदन का अर्थ भारत है, अभिनंदन का अर्थ भाजपा नहीं है, अभिनंदन का अर्थ मोदी नहीं है, अभिनंदन का अर्थ भारत है। आप इसी तरह से सबका साथ सबका विकास की नारा देते हैं और बहुजन को के रीढ़ की हड्डी पर चोट कर रहे हैं और मुट्ठी भर लोगों की तिजोरियां भर रहे हैं, हमारे लोगों को यूनिवर्सिटी कॉलेज से हटाना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों आप सब लोग जान लीजिए और समझ लीजिए कि ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, जनतंत्र विरोधी लोग हैं, जमहूरियत पर ये चोट है, भारत के संविधान पर चोट है, और इसको बहुजन लोग ही आगे बढ़ सकते हैं लेकर के, एकता देश की एकता और अखंडता को बचा सकते हैं। और आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो दूसरे तबकों के लोग भी जो इंसाफ पसंद है, जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो वो लोग भी जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसकी एकता और अखंडता से मोहब्बत करते हैं, यहाँ के संविधान से मोहब्बत करते हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ मेल और मिलाप का, भाईचारे का, सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण है, ऐसे तमाम लोग आपके साथ आएंगे। लेकिन फौरी तौर पर जरूरत इसकी है कि इस एकजुटता को आगे बढ़ाना है, एक नया सोचा इन्होंने राष्ट्रवाद का छेड़ा है, और इस राष्ट्रवाद को छेड़ करके हमारे जो बुनियादी सवाल है, हमारा जो रोस्टर का सवाल है, हमारा जो जंगल का सवाल है, हमारा जो पानी का सवाल है, हमारा जो जमीन का सवाल है, हमारी जो बेरोजगारी का सवाल है, तो तमाम हमारे जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनका सवाल है, उन तमाम सवालों को दफना देना चाहते हैं। इसीलिए इनके मनसूबों को पहले हमको दफनाना होगा, तभी हमारा संविधान बचेगा, तभी हमारी आजादी बचेगी, तभी हमारा जनतंत्र बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत